शिवपुरी जिले में मगरोनी नगर परिषद के किसानपुर में प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर जो नाऊ बाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यहां मंदिर की पूजा अर्चना और देखरेख सैन समाज करता है। इस मंदिर की जमीन पर कई सालों से भू माफियाओं का कब्जा होना बताया जा रहा है और साथ ही ये सभी कब्जाधारी कुशवा समाज के होकर मायारामपुरा में रहने वाले हैं। भू माफिया इस भूमि पर फसल उगा रहे हैं, साथ ही पक्का निर्माण भी किया है। बता दें कि मगरौनी नायब तहसीलदार ने भूमि का सीमांकन एक साल पहले किया था, लेकिन भू माफियाओं से मंदिर की भूमि मुक्त कराने में प्रशासन नाकाम साबित हुआ। वहीं पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार भी पूरी बात करने को तैयार नहीं है। जब जिम्मेदार अधिकारी इस तरह से मामलों पर अपना रुख अपनाएंगे तो जो पीड़ित है वो न्याय की उम्मीद किससे करेंगे। हमने जो जमीन के संबंधित कागज लगाए थे तहसीलदार साहब के पास, तो उन्होंने हमारी दो तारीखें भी लगवाई, उसमें 27 तारीख जो हमारी लगी उसमें हम गए, जे लोग भी गए, तो तहसीलदार साहब का कहना यह है कि आप उसमें बैठ कर इसका निपटारा कर लो। हम नरवर तहसील में गए थे और तहसीलदार साहब वो है नायब तहसीलदार ढाकर साहब है, बगल वाले कुन्ने में जो बैठते हैं, उन्होंने बताया आप वहाँ बैठ कर इसका निपटारा कर लो। उन्होंने पटवारी के लिए बोले, मैं पटवारी के लिए जांच लिखता हूँ दोबारा से। पटवारी भी जहाँ आए तो वो भी एक ही बस शब्द बोल रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। और जब भी हमारे मारा पट्टी भी होती है, मुझसे खुद गाली गलौज मारा पट्टी की है। कब्जा जो सारे खुशवाजी हैं, नाम बताओ क्या नाम है उनका? इसका गोपाल पार्षद है जो बीजेपी से, उनका परिवार है पूरा। एक हेमराज कुशवाहा जो बीजेपी का सदस्य है। राम जानकी सैन समाज के नाम से मंदिर की जमीन है ये। हाँ, शिकायतें हम करे आते हैं साहब, दो बार नप चुकी, उसके बावजूद भी जो कुशवाहा समाज के लोग यहाँ का कब्जा करे हुए, वो कब्जा नहीं छोड़ रहे। और इसी जमीन से मंदिर की पूजा के लिए जो भी खर्चा के लिए पैसा आता है उसी से खर्चा चलता है। और तहसीलदार साहब कह देते हैं कि राजीनामा कर लो। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ शिवपुरी से संवाददाता कमर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमर, जिस तरीके से राम जानकी मंदिर की जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा देखने को मिल रहा है, ये पूरा मामला क्या है और इसको लेकर अभी तक कहां शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है? अखंड ये नरवर तहसील के अंतर्गत जो है मगरोनी नगर परिषद क्षेत्र है, जहां पे ये राम जानकी मंदिर बना हुआ है और काफी करीब 150 या 200 साल पुराना ये मंदिर है जी। जो किशनपुर क्षेत्र में जो पहले से मतलब बना हुआ है और इसी की पास में किशनपुर में एक रामपुरा करके जगह है, वहाँ पे इसकी जो है मंदिर के नाम से शासकीय भूमि है और काफी वर्षों से वहाँ पे कुशवा समाज मतलब यहाँ पे पहले जो है पिछले वर्ष जो नायब तहसीलदार नरवर में एक नायब तहसीलदार थे तो उन्होंने इसका सीमांकन कराया था। उस समय दो लोग बगिल समाज के कुछ लोग थे, कुछ कुशवा समाज के थे, कब्जा किए हुए थे। तो उस समय बगिल समाज के लोगों ने तो कब्जा कुशवा समाज के जो लोग हैं, दबंग लोग हैं, उनका कब्जा आज भी इस मंदिर की भूमि पे चला आ रहा है जी। कमर खान, जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि ये जो मंदिर है यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए सैन समाज के लोग जाते हैं, उनका किस तरीके का रुख सामने आ रहा है? हेलो कमर जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ हाँ। जिस तरीके से आपने ये भी बताया कि वहाँ सैन समाज के लोग पूजा अर्चना करने के लिए लगातार जाते हुए नजर आते हैं, उनका इस भू माफियाओं के कब्जे को लेकर किस तरीके का रुख सामने आ रहा है? ये इस मंदिर की असल में क्या है, ये मंदिर जो है सैन समाज के हाथों ही इसकी बागडोर चलती है। जो भी वहाँ पे साफ सफाई है या पूजा अर्चना है वो सैन समाज के द्वारा ही की जाती है, काफी वर्षों से की जा रही है और यही लोग आवाज उठाते हैं। वहाँ जब मौके पर जो वहाँ पे मंदिर की भूमि है वहाँ जब हम पहुंचे मौके पर तो वहाँ जाके देखा तो काफी उस पर जो है खेती भी की गई थी और उस पर भूसे के टाल खेती के साथ साथ में कुछ कुशवा समाज के दबंग लोग हैं उन्होंने पक्के मकान का भी निर्माण कर रखा है, उन्होंने अपना दासा बना के आने जाने के लिए रास्ता भी बना रखा है। तो वही कमर खान, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि भू माफियाओं से मंदिर की भूमि मुक्त कराने में प्रशासन भी कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है, क्या लगता है किस तरीके से लोगों को निजात मिल पाएगी इस पूरे मामले पे, या जिस तरीके से भू माफियाओं का कब्जा है ये कब तक किसी तरह से कायम रहेगा? ये कब्जा काफी बरसों से, आज से कोई नया नहीं है, काफी बरसों से ये कब्जा चला आ रहा है और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की या राजस्व विभाग की
जो है जो पटवारी है या तहसीलदार है जिम्मेदार अधिकारी है उनके द्वारा काफी बड़ी लापरवाहियां रही है और देखी जा रही है कि इतने वर्षों से एक तो शासकीय भूमि, दूसरी वो आरक्षित है मंदिर के नाम पर, और एक धार्मिक स्थल की जमीन पर जो है दबंगों के द्वारा कब्जा लगातार चला आ रहा है, किया हुआ है, और आज भी वो कब्जे हुए हैं उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। और जो समाज के सैन समाज के जो लोग हैं तो उन्होंने अभी नरवर में जो नायब तहसीलदार है उनको 250 के दावे के लिए दोबारा मतलब कब्जे के लिए उन्होंने आवेदन दे रखा है। और जब तहसीलदार से संतोष धाकड़ से मेरी इस विषय पे जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि अभी मामला न्यायालय में चल रहा है तो मैं आपको कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाऊंगा, आगे चल के जो भी उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है कमल खान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि शिवपुरी में राम जानकी मंदिर में भू माफियाओं का कब्जा देखने को मिल रहा है और ये काफी वर्षों से देखा जा रहा है, वहीं इसको लेकर लगातार नायब तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंपा गया, शिकायत दर्ज की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भू माफियाओं के कब्जे से जमीन को मुक्त कराने में नाकाम साबित हो रहा है। और जिस तरीके से प्रशासन का रुख देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं ये सवाल भी बड़ा खड़ा होता है कि आखिर लोग न्याय की गुहार लेकर किसके पास जाएंगे। लगातार मंदिर की जमीन पर ये भू माफिया का जो कब्जा है ये इसकी खबर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लगातार इसको लेकर न्याय की मांग भी की जा रही है। और ये जो मंदिर है राम जानकी मंदिर है, यहाँ जो सैन समाज के लोग हैं उन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठाई हुई है, वो पूजा अर्चना करते हैं और साफ सफाई का ध्यान भी उनकी ओर से रखा जाता है। और वहीं कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुशवाहा समाज की अगर बात करें तो जिस तरीके से उनका कब्जा है कहीं ना कहीं जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं वो भी इससे काफी परेशान हैं और सैन समाज की ओर से लगातार न्याय की गुहार भी लगाई जा रही है। लगातार मंदिर की जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि प्रशासन की ओर से भी जो जिम्मेदारी निभाई जानी चाहिए वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस मंदिर पर जो भू माफियाओं का कब्जा है उसको मुक्त कराने में नाकाम साबित हो रहा है। और लगातार आपको बता दें कि सैन समाज के लोग इस मंदिर में जाते हैं साफ सफाई के भाव से, पूजा अर्चना के भाव से, लेकिन उन्हीं की ओर से ये न्याय की मांग भी की जा रही है और कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि कई सालों से जिस तरीके ये न्याय की गुहार लगाते आ रहे हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो ये भी एक तहसीलदार पे बड़ा सवाल खड़ा होता है, प्रशासन भी नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है और जिम्मेदारी इस तरीके के मामलों पे अपना गलत रुख अपनाते हुए भी नजर आ रहे हैं।